ये हमने 250 ग्राम शुगर ले ली है इसके लिए, 250 ग्राम ऑफ हमने फ्लावर भी ले लिया, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं 250 ग्राम की मैंने लिया, ज़्यादा ना कम शुगर 250 ग्राम ऑफ फ्लावर। अच्छा मैं बटर नहीं यूज़ कर रही, मैं ऑयल ही यूज़ करूँगी, मैं 250 ग्राम ऑफ जो है वो ऑयल यूज़ करूँगी, आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं अगर चाहें तो। 1 टेबल स्पून ऑफ बेकिंग पाउडर हम ले लेंगे इसके साथ, 1 टेबल स्पून, और जनाब 1 टी स्पून ऑफ वनीला एसेंस, मैंने वनीला एक्सट्रैक्ट लिया, आप वनीला एसेंस एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं। चार अंडे ले लें और इनको रूम टेम्परेचर पर रखिएगा अगर आप बेस्ट रिजल्ट स्टार्ट करें तो। करेंगे ये अंडों को और चीनी को मिलाएंगे और हम इसमें पहले इन दोनों को मिला लेते हैं, फेंट लें। जी जनाब, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अंडों को और इसको फेंट लेंगे। अच्छा इसमें मैंने जो वो 250 ग्राम जो है वो ऑयल डाला। अच्छा अब इसमें मैं 1 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट डाल दूँ, अगर आपके पास वनीला एक्सट्रैक्ट नहीं है तो आप जो है वो लेमन जूस भी डाल सकते हैं। असल में मकसद ये होता है कि हमने अंडों अब हम इसमें फ्लावर डाल देंगे। अरे फ्लावर को जो है वो हमने जो है वो जस्ट उसे रोल करना है, ठीक है ना, तो थोड़ा थोड़ा डालकर रेडी है सिर्फ पैच करने के लिए और आप इसे आराम से पैच कर सकते हैं। ये हमारे केक रेडी है ऑर्डर के लिए, ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़ेदार है।